पूरे मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में नई भर्ती लेकर आई दोस्तों। एमपी एमके वीवीसीएल नया रिक्वायरमेंट आया। टोटल यहां पर 1305 पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में भर्ती निकली है दोस्तों। लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, आईटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट सहित अन्य पदों पर यह भर्ती निकली है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो आवेदन 2 से 16 दिसंबर तक किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है 29/11/2024 को। तो चलिए नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको चले जाना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, एमपीसीजेड लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने जो है वो आपके सामने ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा एमपी के वीएल का। ठीक है, यहाँ पर इसे नोट नाउ कर देना है। इसको पहले ही पोर्टल आपको जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे आप पहला पोर्टल ओपन करोगे आपके सामने जो बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है 29/11/2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रोल डाउन करना है। आपको यहाँ पर हम स्क्रोल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखना लगता है। योजना के तहत पात्रता क्या रहेगी, आयु की सीमा आपकी 1/7/2024 से 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आईटीआई, इंजीनियरिंग अथवा नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, स्नातक ये सभी होना चाहिए। योजना के तहत चयनित युवा को छात्र प्रशिक्षण कहा जाएगा, प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि केवल 1 वर्ष यानी 12 माह रहेगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यह भर्ती निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कुल राशि जो आपको जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजेटी लोकेशन वाइज एंड कोर्स वाइज वैकेंसी इन एमपीएम के वीवीसीएल अंडर मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद है और कहाँ पर कितने पद है। अगर हम बात करें तो भोपाल में यहाँ पर आपके गोविंदपुरा में है, गोविंदपुरा भोपाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भोपाल में 4 जगह है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रीन की तो 3 पद है, लाइनमैन के 4 पद है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के 1 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पर 0 पद देखने को मिल जाएंगे। स्टेनो को यहाँ पर 2 है, स्टेनो हिंदी के 0 पद है, सिविल इंजीनियरिंग के 2 पद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10 पद है, अकाउंटेंट के 3 पद है, एग्जीक्यूटिव एसआर के 2 पद है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 24। टोटल यहाँ पर 51 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार के अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम बैतूल में देखें तो बैतूल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे लाइनमैन के 20 पद है। यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के आपको 9 पद देखने को मिल जाएंगे। हरदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है और अगर हम बात करें तो और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सीहोर है, विदिशा है, रायसेन है, राजगढ़ है, ग्वालियर है, दतिया है, गुना है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है। बाकी अभी तक 21 जिलों में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी जिलों में भी इसने जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए, हम उसका भी वीडियो बताएंगे कि आप इसमें किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जरूर वीडियो बनाकर बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है आपको, तो जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको संसद मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।